हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल सीखने की जिज्ञासा। तो फ्रेंड बता दूँ आपको, जो आरआरबी एनटीपीसी की एग्जामिनेशंस हुई थी 31 दिसंबर से 31 जुलाई तक पूरे 7 चरणों में इसका एग्जामिनेशंस हुआ था। तो आपको बता दें, आरआरबी ने जो है एक नोटिस रिगार्डिंग रिफंड ऑफ एनटीपीसी एग्जामिनेशन फी की जारी कर दी है, और ये नोटिस का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 11 अगस्त से सुबह 10 बजे के, और ये 31 अगस्त तक आपको पूरे टाइम अवेलेबल रहेंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनका जो है पिछले 2 सालों से उनका बैंक का जो आईएफएससी कोड या फिर बैंक में कुछ उनका चेंजिंग हुआ है, तो वो अपडेट कर सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स देखिए, क्या है कि आरआरबी जो है, यदि आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक किया तो उसका रिफंड का जिम्मेदार आरआरबी नहीं है, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में उन्होंने खुद बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको बता दूँ फ्रेंड्स, यदि आपका कुछ बैंक से रिलेटेड जो रिफंड आपको आएंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको ऑलरेडी एक SMS किया जाएगा आरआरबी के ऑफिशियल साइट के थ्रू। यदि आपका कोई वहाँ पर मिस्टेक नहीं है, लगता है कि आपका जहाँ से भी पेड किया गया है वहाँ कुछ करेक्शन नहीं हुआ, आपका IFSC कोड कोई चेंजिंग नहीं है, या फिर आपने कुछ उसमें सुधार नहीं करना है, तो आप जैसे है वैसे ही छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है और कितने पैसे आपको रिफ़ंड होंगे और किस प्रकार से होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड बता दूं कि SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनके 250 रुपये आपको रिफ़ंड किए जाएंगे, और जनरल और OBC वाले जो कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं उनको 400 रुपीज़ रिफ़ंड किए जाएंगे। ये नोटिस में लिखा हुआ है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो आपको बैंक का डिटेल्स कब से कब तक अपडेट करना है और लिंक एक्टिवेट कब होगा, मैंने अभी बताया कि 11 अगस्त से आपको सुबह 10 बजे से 31 अगस्त को रात 12 बजे तक आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा करेक्शंस के लिए, तो आप ध्यान देने वाली ये बात है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यदि आपको लगता है कि आपका जो है बैंक डिटेल्स में कोई भूल हुआ है, तो आपको ऑलरेडी SMS या ईमेल के थ्रू जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी, और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे ऐसा लिखा हुआ, और एक आपको हेल्प मेनू भी प्रोवाइड की जाएगी, और वहां से आप हेल्प ले सकते हैं यदि आपको सबमिट करने में, आपके बैंक डिटेल्स को क्लेरिफिकेशन करने में कोई दिक्कत होगी। तो क्या माइंड रखना है आपको, सम पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड रखने हैं बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स के, कि 31 अगस्त से पहले करना है, 11 अगस्त से आपको स्टार्टिंग होगा, लेकिन 31 अगस्त से पहले ये काम कर देना। ओके, नो रिफंड विल बी गिवन इफ कैंडिडेट फेल टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स। यदि आप इस डेट में चूक जाते हैं तो कोई रिफंड आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जिन लोगों का अगर IFSC कोड चेंज हुआ है, जैसे बैंक भी चेंज हुआ है काफ़ी लोगों का, तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको SMS के थ्रू भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ओनली 1 रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। यदि आपने एक ही बैंक अकाउंट से सभी लोगों का पेमेंट किया है तो वैसा नहीं होगा, आपको फिर अपडेट करना होगा अदर्स के। मतलब मान लीजिए आपके घर से 2 या 3 फॉर्म आपने एक ही बैंक अकाउंट के पेमेंट से किए हैं, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बैंक अकाउंट से एक ही अलाउड किया जाएगा रिफंड, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर नेम IFSC कोड इंटर द करेक्ट एंड चेक केयरफुली बिफोर सबमिट। तो आपको सारे जो नेम है, IFSC कोड है और अकाउंट नंबर है वो करेक्ट है कि नहीं, वो उसको आपको सक्सेसफुली चेक करना है, उसके बाद ही सबमिट करना है। एनी मॉडिफिकेशंस ऑफ बैंक डिटेल्स आफ्टर सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल। यदि आप सबमिट कर देते हैं फाइनल, उसके बाद फिर मॉडिफिकेशंस का आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि यहाँ बोला है, दिस इज़ अ 1-टाइम प्रोसेस विल नॉट बी रिपीट। और ये 1-टाइम प्रोसेस है, ठीक है, ये आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखने हैं कि आपको ये डेट्स में पूरे ये डेट के अंदर
ये काम कर लेना है। और फ्रेंड आपको बता दूं कि देखिए फ्रेंड, और ये फ़ी उन्हीं को रिफ़ंड किया जाएगा जिन्होंने ये RRB NTPC का फॉर्म भरा है, फ़ी पेड किया है और उन्होंने एग्ज़ाम को अटेम किया है। यदि आपने एग्ज़ाम को अटेम नहीं किया है तो आपको जो है पैसा रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ऐसा भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि आपके IFSC कोड चेंज हुए हैं और आपको जो बैंक मर्ज हुआ है दूसरे बैंक में, तो उस समय आपको अपडेट कर लेना है। यदि आपके पुराना 2 साल से एक ही बैंक है और आपको लगता है कि मेरा जो है कोई चेंजिंग नहीं हुआ है बैंक में, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपका रिफ़ंड उसी अकाउंट में होगा जिस अकाउंट से आपने फी पेड किया है। तो ये थी छोटी सी जानकारी रिलेटेड RRB NTPC फीस रिफ़ंड का प्रोसेस से। तो अच्छा लगा तो निश्चित ही लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल्स को, ताकि ऐसे ही मोस्ट यूज़फुल वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस, स्टडी विद चैनल। थैंक यू।